कैसे रहोगे घर? जो पर्यट टूट जाता है कैसे रहोगे? इंसानियत के नाते तो उनका करवा देते हैं। 20 साल से यहाँ पे हाँ। इसी जगह पर नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। और आज जो आप पीछे वाला जो व्यू देख रहे हैं वो आप नॉर्मली ये नगर निगम का गाड़ी आपको ज़रूर दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाला जो भी इन्होंने लगाया था उसको उठा के नगर निगम की जो गाड़ी है वो लेके जा रही है। आप लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं? जगह नहीं है, एकमात्र यही सहारा है आप बस यहीं पर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी लगा के रहते हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है ठंड के दिनों में। तो ठंडी के दिनों तक कहाँ इंतजाम कहाँ कौन कर गई? यहाँ पे ही गांधी मैदान में ही कितना जगह बनाया गया है रहने के लिए आप लोगों को? हमने तो फुटपाथ पर ही कहाँ हमने को कोई। तो आप जो पुलिस है यहाँ पे मौजूद उनसे आप पूछिए कि आप मेरा हटा रहे हैं हम रहेंगे कहाँ? हमने के बोले का मौका दिया है एकदम देखते हूँ कि भी रहले हैं। बोले का मौका नहीं मिला आप लोगों को? हाँ एकदम हटाओ हटाओ हटाओ। तो आप जबरदस्ती हटाया जा रहा है आपको यहाँ? तो जबरदस्ती ना तो कहाँ जाइएगा अभी? अभी कहाँ जाएंगे, इधर उधर रहेंगे इधर उधर, फिर यहाँ से हटा के आप सरकारी फिर यहीं पे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप जो हटाया गया है हाँ। वो किनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को शिफ्ट करने की? वो तो सरकार का मामला है और ऑफिसर का मामला है। तो फिर वो लोग अपना वो लोग अपना समझे। तो आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली? ड्यूटी है, ड्यूटी बढ़ता है। कैसे जानकारी मिली आप लोगों को कि यहाँ पे अवैध तरीके से लोग झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं? और अगर उन लोगों ने बताया है कि उनके पास इसके बाद रहने के लिए जगह नहीं है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जाइए साहब से बात कीजिए ना, इंसानियत के नाते तो उनका करवा देते रहने का इंतजाम। जाइए बात कीजिए वहाँ। कहाँ बात करें? यह गाड़ी में बैठे हुए देखिए अतिक्रमण हटाने का जो सिलसिला है अभी भी जारी है। नगर निगम की जो गाड़ी है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पे जाम ना लगाया जाए। पुलिस वालों का दलील है कि इनकी वजह से ट्रैफिक लगता है। तो ऐसे में और कोई भी जो अधिकारी है वो कुछ भी बोलने से बच रहा है, कुछ भी जवाब देने से बच रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से इनका जो आशियाना है वो उजड़ चुका है। और ऐसे में यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं जिनका आशियाना उजड़ा है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि ये ठंड का मौसम है ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे अब? तो भैया ये सब हो चुका है, अब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं सिस्टर कि ठंडा तो मौसम है, ठीक है। हाँ गरीब आदमी हम लोग हैं, मेरा परिवार भी अभी नहीं मतलब यहाँ को ये सब शादी में गए हुए हैं और उसके बावजूद ये सब कवारे हैं। अभी रात बिहार हम लोग कहाँ मतलब रहेंगे बताइए आप ही लोग। हम लोग बोलना चाहते हैं मैम कि जब भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो एक दिन पहले आके बोले ना हमसे, हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। छोटा छोटा बालक है, तन्नी तन्नी को बुतरू है, हम लोग नगर निगम में काम करते हैं, ये रोड का सफाई कौन करता? हम ही लोग ना करते हैं मालिक। आप लोग यही रहते हैं जी? और आप लोगों के पास घर नहीं है, सरकार घर बनाने के लिए रुपया नहीं? घर अगर रहता तो यहाँ फुट पर रहते हैं मालिक। और यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों को पैसा नहीं? सहयोग नहीं, आज तक खाली वोट लेवे ला आते हैं हम लोग से कि दीजिए वोट। और ये जो नीतीश कुमार फिर भी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो आप लोगों के लिए ये ठंड के दिनों में जो है वो आवास का सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा खूब न्यूज़ में चल रहा है। तो आप लोगों को ऐसा कोई जानकारी? कोई सहयोग नहीं मिला है और ना मिला है सिस्टर। तो आप लोग कब से यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं? हम लोग तो दस साल में। ये कितनी बार है कि आप लोगों को ये हटाना पड़ा? 20 साल से ही यहाँ। हमने 20 साल से यहाँ पे हाँ। इसी जगह पर और कितनी बार हटाया गया है? ये कितनी बार हुआ है? बहुत बार हटाया है, सब भर जाता है, जब आता है जब हटाता है। भर गर्मी नहीं हटाता है और जब ठंडा आ गया ना बस हटाना शुरू कर देता है। तो बाबू तुम यहीं पे रहती थी? हाँ। ये सब क्या हो गया? अब तुम्हारा घर मतलब टूट गया, अब कहाँ कैसे रहोगी? कैसे रहोगी घर जो पर्यट टूट जाता है? कैसे रहोगी?
अब क्या होगा? कहाँ जाओगे? वही मतलब अब टूट गया तुम्हारा घर, अब कहाँ जाओगी? यही रहोगी। जैसे कि देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है, इसे क्या पता कि अतिक्रमण क्या होता है, अतिक्रमण हटाना क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से नगर निगम वालों ने ये हटा दिया है इनका आशियाना जो है। और ये लोग कह रहे हैं कि करीब 20 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और 20 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि इनका जो घर है वो उजाड़ा गया है। और सरकार जो है वो दावे कर रही है कि ऐसे लोगों के लिए वो एक सामूहिक घर बना रही है जहाँ पे ये लोग रह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आप लोगों के लिए सामूहिक एक आवास बनाए हैं जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। देखो तो भगाना नहीं चाहिए, ठंड में नहीं भगाना चाहिए, तो कहाँ तो वो उस पर क्या कहना चाहेंगे, उसकी जानकारी है आप लोगों को? जानकार नहीं है इसलिए बता रहे हैं। जानकारी नहीं है उसके बारे में? नहीं जानकारी। सर हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिर झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों का जो है दिनचर्या वो कैसे जाता है। डेली एक डर सा बना होता है कि कब नगर निगम वाले आएंगे और उनका आशियाना उजाड़ कर लेकर चले जाएंगे। तो इस पर सरकार को बड़ा स्टैंड लेना ही चाहिए, इन लोगों का अच्छे से इंतज़ाम करना ही चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।